आप देख रहे हैं पीपीडी खबर। नमस्कार, पीपीडी खबर में आपका स्वागत है। लॉकडाउन पूरे देश में चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि 14 अप्रैल के बाद 15 अप्रैल से कुछ राहत मिलेगी, कुछ जिलों को मिलेगी यूपी में, लेकिन मेरे ख्याल से एटा को तो राहत मिली जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रशासन लॉकडाउन का पालन कराने में सफल ही हो रहा है। प्रशासन का कार्यप्रणाली यहाँ बागी काबिले तारीफ है। हमारे जिलाधिकारी श्री सुखलाल भारती, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सुनील कुमार सिंह, इन्होंने राहगीरों को खाना बंटवाया, उन्हें अपने गंतव्यों तक पहुंचवाया, और जैसे अन्य जिलों से खबरें आ रही हैं, अन्य प्रदेशों से, यहाँ लाठीबाजी हुई, लोग मुर्गा बनाए गए, सड़क पे लोटे, इस तरह का हमारी एटा पुलिस ने कुछ नहीं किया। पब्लिक ने भी सहयोग किया 80-90%, 95%, लेकिन अफसोस कुछ लोग हमारे एटा में इतनी निम्न कोटि के हैं, क्या कहें उनसे, पैसा ही सब कुछ है उनके लिए, व्यापारी हैं बहुत बड़े। एक तो प्रशासन चिल्ला के परेशान है, सोशल डिस्टेंस नहीं कर रहे। सब्जी मंडी में देखा जा सकता है, अभी आज सोमवार का ही एक वीडियो आया है, मंडी समिति में जो ग्राहक सेवा केंद्र है उसका, वो पैसे वैसे निकालने के लिए कोई सोशल डिस्टेंस मानेंगे, सब एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, ऐसा नज़ारा सब्जी मंडी का भी है। उसके अलावा चलिए ये ठीक है, सब्जी मंडी में हो सकता है जो भी हो पा रहा है। सबसे बड़े दुर्भाग्य ये है कि प्रशासन ने सख्त हिदायत दी है, केवल आवश्यकता की वस्तुओं की दुकानें ही खुलेंगी, जिसमें दूध, दवा, परचून का सामान, राशन वगैरह ये चीज़ें शामिल हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। दास मार्केट है एटा में, सिटी कोतवाली के सामने, वहाँ दुकान खुल रही हैं, मजे की बात देखी, और साहब आप माल भी ला रहे हैं, मतलब कल इतवार को माल लेके आए हैं आगरा से। एक वीडियो पत्रकार साथी हैं दीपक जी, उन्होंने भेजा है, उन्होंने स्वयं इसको कैच किया है, आपको आगे वीडियो देखेंगे, दुकानदार कहते, दुकान का नाम भी बताऊंगा, दुकानदार ये कहते हुए मिल जाएंगे, साहब हम एम्बुलेंस करके ले गए थे और एम्बुलेंस में इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान रख के आए हैं। मजे की बात आप ये देखिए, एम्बुलेंस को छूट मिली हुई है, उसका प्रयोग हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाने में आगरा से। मतलब किस तरह से ये लोग प्रशासन की आंख में धूल झोंक के अपने आप को चतुर बन रहे हैं। अरे भाई, 2-4 TV ज़्यादा बेच लोगे, क्या कर लोगे, 2-4 लाख रुपए कमा लोगे, लेकिन उन्हें देश की चिंता नहीं है। ठीक, कालाबाजारी हो रही है। अब आज आप अगले वीडियो में देखेंगे, उसमें दुकानदार खुद कह रहा है कि एम्बुलेंस से हम करके लाए हैं, और इसलिए भैया ज़्यादा महंगा लाए हैं तो हम ज़्यादा महंगा आपको देंगे। पहली बात तो ये है, सवाल उठता है कि भाई दास मार्केट सिटी कोतवाली के ठीक सामने है, पेट्रोल पंप, प्रकाश पेट्रोल पंप के, सॉरी, दास पेट्रोल पंप के पीछे, कोतवाली के नाक के सामने दुकानें खुल रही हैं, सिटी कोतवाली के सामने। क्या पुलिस प्रशासन, मतलब हमारी सिटी कोतवाल साहब को ये नहीं पता? दुकान का भी नाम है, दृश्य सोमवार का है, दुकानदार क्लियर कह रहा है कि भैया पैसे हैं दे आएगी और ये ले जाओ वो ले जाओ। खुद ये पत्रकार हैं दीपक दीक्षित जी, उन्होंने खुद इसको जो है शूट किया है, और सारी बात आप अगले वीडियो में सुनेंगे। कम से कम प्रशासन का सहयोग नहीं कर रहे हो, असहयोग मत करो, अब आप ब्लैक भी कर कालाबाजारी।
अब तक सुनी राशन की कालाबाजारी हो रही है साहब, सब्जी महंगी है। चलो हो सकता है सब्जी वाले 2 रुपया 4 रुपया भाड़े में ज़्यादा लग रहा है या कुछ लग रहा है, लेकिन ये तो एम्बुलेंस का दुरुपयोग है। पुलिस को समझ रहा, पुलिस और एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई जाती हैं और उधर से इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लेके आ रही हैं और ये दुकानदार खोले बैठे हुआ है। मेरा प्रशासन से अनुरोध है, अभी 8-9 दिन बाकी हैं, जिला हमारा जिस तरह चल रहा उसी तरह चलता रहे ताकि हम लोग 14 तारीख के बाद इस लॉकडाउन से निजात मिल सके और अपने घरों से थोड़ा थोड़ा अपने कामों को अंजाम दे सकें। और ऐसे लोगों पर भाई मेरा तो यही निवेदन है प्रशासन से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इस क्या नाम है जो दासमार के ने दुकान खोले हैं, इस दुकानदार का नाम आगे आएगा, हमें अगले वीडियो में देखें, इसके खिलाफ तो हर हाल में FIR होनी चाहिए। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम इतना ज़रूरी नहीं है कि किसी का TV बेच रहे हो, वहाँ डिश बेच रहे हैं आप बैठ करके, सारा कुछ मोबाइल वगैरह, ये चीज़ बहुत बहुत प्रशासन के जो है विरुद्ध और सरकार के विरुद्ध है। ये इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आपको वो वीडियो और चित्र दिखाने जा रहा हूँ जिसमें इन्होंने श्रीमान जी ने खुद कहा है कि एम्बुलेंस से सामान लेके आए हैं और तब जो जैसा महंगा आएगा तो महंगा ही बेचेंगे। और उस सब्जी वो गल्ला मंडी में जो है जनसेवा केंद्र, उसका भी दृश्य दिखाएंगे। कोई सोशल इंस्टेंस नहीं है, यानी प्रशासन की मेहनत पर पानी फेरने का बीड़ा उठा लिया इनने, ये प्रशासन की मेहनत पर पानी फेर के ही मानेंगे। ये देखिए आप अन्य जनपदों में लोग मुर्गा बन रहे हैं सड़क पे, उनको जो है बेलन की तरह लिटा के पुलिस मार रही है, तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। एटा में ऐसा कुछ नहीं हुआ, एटा में तो मैंने देखा एक गाड़ी आती है वो अनाउंस करती है भाई दूरी बना के रखो, अपने घरों में रहिए, यही बात करती है। लेकिन मेरे ख्याल से लातों के भूत हैं, कुछ नहीं मानते। अब मेरी समझ में आया कि पुलिस क्यों लाठीबाजी करती है। मैं भी कभी सोचता था कि पुलिस मार रही है इनको बेचारों को, बड़ा तरसा आता है उस समय। लेकिन इसकी हरकत देखिए आप, इलेक्ट्रिसिटी आइटम की चोरी सीना चोरी, मतलब एक तो दुकान खोल रहे हो प्रशासन के आदेश के विरुद्ध और फिर कालाबाजारी, क्या है, किसका हाथ है इनके ऊपर, क्यों खुल रही है कोतवाली की ठीक सामने दुकान? इस बात का उत्तर प्रशासन ही दे सकता है और कोतवाल साहब दे सकते हैं जिनके सामने जो है दास मार्केट खुल रहा है, शिकायत मिली है डेली खुल रहा है ये। हालांकि जो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ आज का है, ठीक है, आगे हम आपको कुछ फोटो और वीडियो दिखाते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तब आपको इस दुकानदार की हरकतें समझ में आएंगी और किस तरह से सीना ठोक करके ये जो है दुकानदारी कर रहा है। लॉकडाउन के अंदर दुकान भी खुली हुई है, गली में दुकान है, दास मार्केट में कोई ऐसी दुकान नहीं जिसमें आवश्यकता की चीज़ों, क्यों खुला हुआ है दास मार्केट भाई? चलिए जो भी है, मैंने अपनी बात थी कह दी, आक्रोश भी है थोड़ा, क्यों कि जो लोग घर में बैठे हुए हैं, जो दुकानदार घर में बैठे हुए हैं, अपनी दुकानें बंद करे बैठे हुए हैं, परेशानी उठा रहे हैं, वो क्या पागल हैं? मतलब एक यही व्यक्ति जो 2-4 लोग दुकान खोले हुए हैं यही होशियार हैं ज़्यादा है? जरा प्रशासन को इस तरह देखना चाहिए क्योंकि बहुत गलत। एटा की जहाँ पूरी जनता प्रशासन के साथ खड़ी है, व्यापारी, विधायक, आम आदमी, समाज सेवी, सब कुछ राशन भी पहुंचवा रहे हैं, बेचारे गरीबों की मदद भी कर रहे हैं और ये अपने धंधा कर रहे हैं, इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एटा के विधायक जी और सांसद जी, अन्य जनप्रतिनिधियों से भी ये अपील करूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ भैया कार्रवाई करवाएं, इसमें थोड़ा सा प्रशासन का इसमें चेताएं प्रशासन को इस चीज़ के लिए, ठीक है। आगे देखिए आप वीडियो, ये वीडियो भेजे हैं पत्रकार दीपक दीक्षित जी ने। ये नवीन मंडी है, ये यहाँ आप देखिए किस तरह सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, खुद देखिए। और ये है डिग्री कॉलेज के पास स्थित जनसेवा केंद्र, यहाँ ये महिलाएं अपनी राहत राशि के पैसे निकालने आई हैं। यहाँ भी सोशल डिस्टेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, लाख समझाने के बावजूद भी
हमारे एटावासी कुछ समझ नहीं रहे हैं। भाई साहब कैसे बैठे हुए हैं आप यहाँ, किस क्यों बैठे हुए हैं आप, किस चीज़ का पैसा, आपका खाते का पैसा या कोई पैसा आया हुआ बताया गया? सोशल डिस्टेंस है। क्या को मनवाइयो? अरे ये 500 को है। हाँ भाई आता ही है, 100 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहे हैं बंदी की वजह से। ना भैया हम आ गए यार, पहले आगरा एम्बुलेंस करके ले गए, तब माल मंगाओ ऐसे ना मंगा लो। सो रिसीवर आओ खाली बोल के सुनाया हुआ, रिसीवर ही मिला हुआ रिमोट मोट कुछ नहीं है सुनाया हुआ हमें, देखो सब पाँचों खाली हैं ऐसे आए तो। रिमोट तो लिखा हुआ है साथ में। अरे यार फिर वही बात कर रहे हो, बाद में तो दोगे आप रिमोट? सुना दे पाएंगे हम जे इतना यहाँ पे, वो आपको अलग लेना पड़े। वो मतलब जे पाँचों ऐसे 200 रिसीवर मंगाए थे, 200 खाली आए रिसीवर वाले कह रही है ऐसे मिलेगा। एम्बुलेंस मंगाया आपने? एम्बुलेंस करके ले गए 3000 रुपये ले एम्बुलेंस ने आगरा तक के। तो मुझे समझ रहे हो भाई, 400-500 रुपये का ही आता था, तो आप उसी में जुड़ रहे हो उसका सब कुछ है। नहीं जब दे के आएंगे तो लेंगे ना। आप कैसी बात कर रहे हो अपना बाकी? हाँ भाई जाए चीज़ें के लिए तो गए हम लोग। कितना था चैनल? 95 फ्री वाले हैं तो आप देते हैं ऐड देते हैं ऐड ना देते काय पे टीवी पे ऐड ना देता दूरदर्शन पे ऐड देता दूरदर्शन देखा ही है मैंने बहुत दिन से। चैनल आते हैं इस पर, बड़ी चैनल आते हैं वीडियो वाले। चलो दे दो, दो 650 दोनों चीज़ के। अरे भैया सो ना है आप, इसके 100 रुपये अलग से हैं, बाकी बाकी तो बात तो एक ही ले तो मैं जा रहे हैं। अरे मान जा चाहिए, आप जिद पकड़ रहे हैं, जिद पकड़ रहे हैं आप, जिद कर रहे हो हम कर रहे हैं जिद। दे 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 650 आप जे लेनी जे ले लो। अरे दे दे के पीछे ऐसे ना करते ना। अरे मान जा बात, चलो दे दे 650 आप नहीं मानोगे पर आपकी बात मान रहे हैं भैया। मान रहे भाई बात, चलो कोई बात नहीं, हमारी बात मानने ना हो आप कह रहे हो कोई बात ना, मान जाते हैं। कहाँ मान रहे हो भाई बात बिल्कुल, आप बात करें ज़्यादा मान। अच्छा एक बोर्ड दे दो मैं लीड, कौन सी लीड? वही कनेक्टिंग टीवी और उसके लिए 2.2 3.2 3.2 50 रुपये की। अच्छा और रिमोट इसका और दो एक रिमोट आएगा ये? हाँ जी आएगा, 40 रुपये का रिमोट है अलग से है, हर चीज़ अलग से लेनी पड़ेगी हमें भैया। अभी अलग है मैं क्या करूँ, अभी ना मांगा तो कितने हो गए टोटल? अब जब लिख के दे दो पर्ची पर। पौने 700 दे दी ठीक है बाबे, 650 ही जाएगा, 750 जा इसके सहित और रिमोट और ये और जे। हाँ पौने 700 दे दी, 650 775 रुपये लगाओ रिमोट और जी सब चीज़। बाबे लिख रहे हो पर्ची पे कितने कितने का लगाया है आपने? भी एलईडी टीवी के लिए कुछ सोशल डिस्टेंसिंग रखो यार, वो हो जाता है आपके यहाँ फोन पे वगैरह? बाबे लिख दो कितने कितने का है। अरे वो हमें घर दिखाना पड़ेगा हमें भैया, घर दिखा लियो अपन, लिख लियो अपन आप। अरे आप लिख दो तो कहा है? अरे तो आप लिख लियो अपने आप, जो मैंने बता दी सोई है। देखो ना कितने मांगे, 7-2-6 पेंशन
छः और सात, ठीक है तो अरे क्या जाने कोई भाई साहब कम करके वो कर रहे हो। अरे वो एम्बुलेंस का भाड़ा करते हो भाई साहब, दे रहे हैं आप करो उस गिनो तो गिनते लेको उनको बाद में कह दो आप कम दे गए भाई। 3.5, 3.75, 5.5, 6.5, 7.5 दे गए। हां ठीक, 5 रुपए और नहीं, 5 रुपए दियो, 5 रुपए पास दो, 5 है ना दी, चलो ले ले। रखने के तो देवगे साहब का छो जाइम रे बेरो क्या जमाना है, हर चीज जो संगा दो सब लेनी पड़ रही है मुझे। तो आपको भी तो उसने कम लगाया होंगे ऊपर से पैसे जब आपको रिमोट और वो नहीं दिया है तो। अरे यार फिर वही बात पे आएगा लौटे के तुम, हमें महंगा आया है वहाँ से ही, वहीं से महंगा आया है ये। सो मैंने 5 ही लाए इनसे, इनने मंगाए बहुत महंगे थे इनने। किसने, लच्छी वालों ने ना? तो बहुत दूसरी वो तुम्हारी कुछ चला लो, चलो ठीक है बहुत बढ़िया। का हाँ सही है।